ये देखिए अभी हम लोहरदगा पहुंच गए हैं, मतलब सॉरी लोहरदगा स्टेशन पहुंच गए, मतलब हम लोहरदगा में रहते हैं, लोहरदगा स्टेशन पहुंच गए हैं। आज हम जा रहे हैं चापी, और चापी जा रहे हैं, और चापी क्यों जा रहे हैं आपको बताते हैं। पुटो खाने आप लोग तो जानते होंगे, लोहरदगा वासी ने झारखंड वासी कि पुटो क्या होता है। तो चंदवा जा रहे हैं, बालूमाथ चंदवा कुआ का घर है, वहाँ पे बहुत सारा फूटो होता है, खुपड़ी होता है, तो वहीं पे जा रहे हैं खाने के लिए। आप लोग बने रहिए, लास्ट वीडियो देखते रहिए। पहला दूसरा तीसरा चौथा बोगी में ही है रेनू। ये रही रेनू, मिल गए हम लोग। फिर अभी लोहरदगा वाला स्टेशन छूट रहा है, फिर अभी हम लोग जाएंगे चंदवा में उतरेंगे, चंदवा स्टेशन उतरेंगे। ये चले हम लोग, ये ट्रेन जा रहा है लोहरदगा से चापी, चंदवा चापी, और आज हम पहली बार ट्रेन से जा रहे हैं चापी। अरे 27 नंबर पुल भी दिखाएंगे ना, दिखता है उससे आगे ना है। ये इतना कम दे रहे हैं, थोड़ा सा और दीजिए। जंगल का जड़ी बूटी है, इसको देखिए ये क्या है, आप लोग बताइए। आप लोग जानते हो, कौन कौन जानते हो, झारखंड वाले लोग जानते होंगे। देखिए ये है कुसुम, बहुत अच्छा लगता है इसका छिलका, छिल के अंदर का चीज खाते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं, अभी हम लोग पहुंच गए, कहाँ पहुंचे रहेंगे, टोरी चंदवा। अभी हम लोग पहुंच गए टोरी चंदवा, अभी उतर रहे हैं। देखिए अरे इतना लंबा सीढ़ी है यहाँ पे, तो चलिए ना, तो ऐसी है सब। हे भगवान, ऐसे उतरना पड़ा। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर से, अरे पूर्ण पानी जाएंगे यहाँ से। हम लोग मकैया टाड़ा पहुंच गए, अभी जिलेबी और बालूशाही खरीदे हैं, और ये हम लोग क्या बेसन का लड्डू भी खाते जा रहे हैं, बहुत टेस्टी है। यहाँ बालूमाठ पहुंच गए हैं, ये देखिए बालूमाठ, अभी पूर्णा पानी जाएंगे बालूमाठ। हाँ ये चंदवा वाला रूट में है बालूमाठ, इधर से आए हुए हैं, चंदवा वाला रूट है बालूमाठ। आधा अधूरा बता रहे हैं, प्लीज माफ कीजिएगा। लोग धूप में साथ पैदल चलते जा रहे हैं। हाँ वही तो, इतना चिपचिपाती धूप में कितना किलोमीटर जाना है। बाप रे बाप, 7 किलोमीटर अभी पैदल ले गिरे ना तुम मेरे को, कैसे जाएंगे उतना दूर। ये देखिए हम लोग 7 किलोमीटर पैदल पूरा जा रहे हैं, और अभी यहाँ पे खेल रहे हैं थोड़ा सा, ये बबल निकाल रही है। देखिए वाह कितना सुंदर, ऐसे भी होता है। देखिए बबल, अभी हम लोग 7 किलोमीटर अभी पैदल आ रहे हैं, पर अभी और 3 किलोमीटर बचा हुआ है इतना धूप में। देखिए इसलिए कृपया करके आप लोग लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो पक्का कीजिए, क्योंकि हम लोग इतना धूप में बना रहे हैं, बताइए इतना धूप में वीडियो बनाते आ रहे हैं। पूरा जंगल है, इधर एक भी घर नहीं दिखता, बहुत दूर तक देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे भी नया घर बन रहा है। हाँ, बहुत थक गए यार,
पानी प्यास लग रहा है। बाप रे इतना थक गए रेनू। ये रहे अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, ये रहा रेनू का घर, ये देखिए पूरा थक के ये देखिए अभी हम लोग पहुंच गए। मीटर कैसे इसे लटक रहा दादू आजा आजा गो। हम बहुत थक गए, बाप रे बाप। कहाँ थे दादू? अभी हम लोग घर पहुंच गए। और मम्मी वो अफवा वो कहाँ गई है? हाँ ठीक है। ये रहा रेनू का घर, गांव का घर। पानी तो पियेंगे रेनू। अभी हम लोग जा रहे हैं, आवाज भी नहीं निकल रहा मुंह से। मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे पुनः पानी आ गए हैं। अभी जंगल जा रहे हैं हम लोग, जंगल घूमने जा रहे हैं। देखते हैं जंगल पे आज कितना फोटो मिलता है, क्योंकि धूप है बहुत जोर से, पानी आया हुआ नहीं है। कल आया था थोड़ा थोड़ा, उसी पे अगर मिल जाए तो आप लोग को फिर धूप दिखाएंगे। बने रहिए लाइन पे। ये देखिए हम लोग खुखरी बेचने आए हैं, बहुत मुश्किल से मिल रहा है एकदम जंगल में। ये वाला पूरा मुश्किल से खोद रहे हैं, पूरा निकलाएंगे। हाँ इसको करके कौन सा खुखड़ी, टैंकर खुखड़ी पता नहीं, कोई सा भी खुखड़ी है पर खाने वाला है। हाँ पर खाने वाला है। देखिए ये देखिए सोचते और छोटा छोटा है। और ये देखिए पोतो बिछे और बिछेंगे। हाँ यहाँ पे जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो 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 ये देखो ये देखो यहाँ देखो यहाँ देखो ढेर सारा है ना। कोई चीज खुरपुर पितलावे नहीं किए हैं फुआ, तो मस्त है। ये देखिए पानी नहीं आने के कारण ऐसा हुआ है, सूख जा रहा है। हाँ वरना बड़ा बड़ा होता ये। हाँ इसको हाँ इसको अगर हम लोग छोड़ देंगे तो दूसरा कोई खा जाएगा, इसलिए हाँ उससे अच्छा हम लोग कहा पत्थर को बोल रही है नहीं आपका अति हो टकना को बोल रही है। अरे तो हमको नहीं आता है, ये मेरा पहली बार है, दूसरी बार है पूटो खाने आए हैं, तो खोजने नहीं आता है और निकालने नहीं आता है। इसे निकालेंगे ना तो ये टूट जाएगा। पानी नहीं आया है इसलिए सूख गया। हाँ पानी नहीं आया है इसलिए सूख गया है। ये तो हम तो जान भी नहीं रहे। ये रहा खुखड़ी, बड़ा बड़ा वाला को कहाँ ना है, यही तो है दे। हाँ हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चुन रहे हैं। पूरा जंगल इलाका है, पूरा जंगल। जल्दी खोलो, ये तो जरूर 100 रुपया का होगा। हाँ 100 रुपये का, तो इतने एक दोना 100 रुपये का देता है। देखिए ये 100 रुपये का, कि जिस किसी को भी खाना है कमेंट करे और मेरे से संपर्क करे, ठीक है। 10 रुपये डिस्काउंट, सब्सक्राइब करने वाले लोग को 20 रुपये डिस्काउंट। देखेगा उसको 5 रुपये। हाँ जो देख रहा है उसको 5 रुपये डिस्काउंट। अभी पूरा बगरा दिख रहा है। ये रहा फोटो, हम लोग बीच के आ गए। देखिए अभी गए थे जंगल से, बीच में भूसली कटा कटा के मोबाइल फोन हम लोग स्विच ऑफ हो गया था ना। ये रहा देखिए, ये तो पहचानते होंगे झारखंड वाले लोग। ये रहा पुटो, ये है पुरना पानी का पुटो जंगल का। ये देखिए बहुत अच्छा बालक बालक। हाँ बहुत अच्छा बालक बालक, एकदम सड़ा हुआ कुछ नहीं है। और आपको बाजार में मिलेगा सड़ा गड़ा बहुत दिन का, लेकिन ये पूरा एकदम ताजा अभी हम लोग बिछ के लाए हैं। देखिए प्याज काट रही भाभी, नहीं छो छो करके मुंडी में रखी है। नहीं बुलाता है सर, कितना भी प्याज काटता है। ये बूटो बनाने के लिए और खुखड़ी बनाने के लिए अभी बीच के आए हैं, तो आप लोगों को धोते हुए वीडियो नहीं दिखाए, अभी पकाते हुए वीडियो भी देखेंगे, खाते हुए वीडियो भी।
बहुत टेस्टी से बनेगा, देखिएगा तो खाइएगा वीडियो पे, नहीं देखिएगा तो नहीं खाइएगा, तो देखिएगा। ये रहा बन गया फूटो का सब्जी, ये है खोखड़ी का भुंजिया और चटनी, ये है बादाम का चटनी। खाना इतना इतना खा रहे लोग, बीच क्या है और पूरा बना के देखिए, यही है फूटो सब्जी, ये काला वाला फूटो है इसीलिए काला काला दिख रहा है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, हाँ, और अभी शाम का 5 बज रहे हैं, भूख लग रहा है कि हम लोग कंट्रोल नहीं हो रहा है। रात का खाना हम लोग अभी खा रहे हैं 5 बजे। ये रहा हम लोग फूटो, देखिए देखिए, आप लोग को यही दिखाने के लिए बोले दिखाएंगे बोले थे। ये बालू मात का है, मतलब पुराना पानी का है फूटो, ये देखिए इतना सारा फूटो है। ये रहा फूटो, जिस किसी को भी खाना है सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।